देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एंड रिएक्शन है फर्स्ट फोर मेंबर रिंग विथ फोर मेंबर रिंग, इसका रिएक्शन कराना है वाटर से। और आपको यहाँ मेजर प्रोडक्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर वन, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हाँ देखो बेटा, देखो इस टाइप का ये तो क्लासिकल SN1 रिएक्शन है, एल्किल हैलाइड है और उसमें वाटर डाला है। ठीक है, एल्किल हैलाइड और वाटर डाला है तो ये तो पक्का पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऑर्डिनरी केस में एल्किल क्लोराइड के साथ कार्पेटाइन बनाता है, तो ये कार्पेटाइन बनेगा, फिर ये रीअरेंज होगा। तो हमेशा याद रखना जब इस तरीके का रिंग्स हो तो बताओ टोटल कार्बन कितना है, 8। और 8 कार्बन का जो बेस्ट फ्रेम होगा वो ये होता है, आप चेक करो, 8 कार्बन का जो बेस्ट पॉसिबल फ्रेम है वो ये होगा। और ये दोनों पोजीशंस 3 डिग्री है तो यहाँ पे प्लस कर दो, तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा ये रीअरेंज होके इसमें जाएगा। अभी बता दूंगा ये बना के कैसे आएगा, बट आपको डायरेक्ट करना है एग्जाम में। 4 + 4 = 8 एंड दिस इज द बेस्ट बेस्ट फॉर 8। देखो 8 कार्बन है एंड इन पोजीशंस में 2 डिग्री है, ये दोनों 3 डिग्री है, सो दिस विल बी द मोस्ट बेस्ट स्ट्रक्चर। इसमें अब वाटर अटैक करेगा तो ये आपका आंसर आएगा। ये अभी कैसे कन्वर्ट होगा ये बता दूंगा, बट आप डायरेक्ट कैसे करोगे मैंने समझा दिया। 4 + 4 = 8, 8 का बेस्ट फ्रेम ये है, उसमें भी बेस्ट पोजीशंस ये दोनों है, तो कहीं भी OH लगा दो। सो इट्स अ क्लासिकल SN1 रिएक्शन। अब देखो नाउ क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो जो मेजर प्रोडक्ट है, फिर क्लोराइड है, फिर पानी डाला है, फिर SN1 होगा, फिर कार्पेटाइन बनेगा। अब कितने कार्बन है, 10 कार्बन। 10 कार्बन का जो बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट होगा वो कौन सा होगा, 6 when fused with 6, है ना। तो अब डायरेक्ट बनाना, 5 5 10 और ये 10, और यहाँ प्लस आएगा, और ये प्लस आने के बाद बिकॉज ये 3 डिग्री होगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे OH लगा दो। तो आपको डायरेक्ट करना है इस टाइप की क्वेश्चन। उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। 4 with 5, नाउ वी आर हैविंग 9 कार्बन, तो अब इसमें फ्यूज्ड केस में 9 कैसे बेस्ट होंगे, व्हेन 6 is fused with 5, व्हेन 6 is fused with 5 दिस विल बी बेस्ट अरेंजमेंट। और यहाँ प्लस आएगा, यहाँ या यहाँ, ठीक है, तो कहीं पर भी आप OH लगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर एल्किल हैलाइड है, 2 रिंग्स हैं, तो इस तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं। अब देख लो जरा ये किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो इनका रीअरेंजमेंट देख लो एक बार। इनका जो रीअरेंजमेंट होगा वो देखो, व्हेन 4 is with 4, तो सबसे पहले तो कार्पेटाइट बनेगा, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, दिस विल बी द कार्बोकेटाइन।
अब देखो बेटा, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है, रिंग से अटैच्ड कार्बन में प्लस होना चाहिए। रिंग से अटैच कार्बन पे प्लस है। नाउ वी आर हैविंग कंडीशन ऑफ रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा? दिस फोर मेंबर्ड इज विद दिस फोर, ये बॉन्ड तोड़ दो, ये बॉन्ड बना दो, तो यहाँ प्लस खत्म, तो प्लस कहाँ आ जाएगा? ठीक है, अब इसको अगर हम सीधा करके देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। दिस फाइव मेंबर्ड रिंग एंड दिस फोर मेंबर्ड रिंग एंड वी आर हैविंग प्लस एट दिस। अब अगर आप इसको देखोगे तो फोर से अटैच्ड कार्बन पे क्या है? प्लस। अगेन रिंग एक्सपेंशन, तो अगर अगेन रिंग एक्सपेंशन होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन यही होता है, रिंग से जुड़े हुए कार्बन पे प्लस होना चाहिए। ठीक है, अब आप इस बॉन्ड को तोड़ दो, इस बॉन्ड को जोड़ दो, इस बॉन्ड को तोड़ा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? प्लस। और ये कैसा दिखने लगेगा? फाइव इज फ्यूज्ड विद फाइव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सिमिलरली वी कैन डू फॉर दिस, सबसे पहले यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर ये रीअरेंज होगा सिक्स में, जब यहाँ पे ये सिक्स में जाएगा तो कार्पेटाइन फिर इसके एडजेसेंट पे आएगा, ये रीअरेंज हो जाएगा सिक्स में। तो करके बताऊँ, ये समझ आ गया? बोलो बेटा। दिस एंड प्रीवियस वन इज कंप्लीटली सेम, दोनों पांच पांच है तो छह छह हो जाएंगे, वहां चार चार था, बोलो तो ये हो जाएगा ना बेटा? हाँ सर। नेक्स्ट देखो, ये वाला ये देख लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहले इसमें क्या होगा, ये कार्पेटाइन बनेगा। नाउ वी हैव कंडीशन ऑफ रिंग एक्सपेंशन फाइव से सिक्स, तो ये सिक्स हो जाएगा। नाउ वी आर हैविंग फोर टू फाइव, फोर से अटैच्ड पे पॉजिटिव है, और ये प्लस। अब इसको अगर आप सीधा कर लोगे, एक सिक्स है, एक फाइव है, और टर्मिनल पोजीशन पर प्लस है, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, कन्वर्ट कन्वर्ट टॉलिन टू ये कन्वर्जन करो जरा, टॉलिन से बेंजीन 1.3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, टॉलिन से बेंजीन 1.3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। देखो बेटा बहुत शानदार रिएक्शन है, सबसे पहले देखो इसमें हम डालेंगे KMnO4 H2O के साथ हीट। आप KMnO4 चाहे एसिडिक मीडियम में डाल दो, चाहे बेसिक में डाल दो, चाहे न्यूट्रल में डाल दो, तीनों में बहुत शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये।
और ये एरोमेटिक कंपाउंड में क्या करता है, ध्यान से सुनो, बेंजीन रिंग से अगर जुड़ा हुआ कार्बन है, बेंजीन से जुड़ा हुआ अगर कार्बन है और उसमें अगर कोई हाइड्रोजन है या कोई मल्टीपल बॉन्ड है, बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन है अगर या मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कोई अगर अनसेचुरेशन है उस पे या फिर CH बॉन्ड है, तो वो उस पूरे मटेरियल को COOH में कन्वर्ट कर देता है, सो इट विल बिकम बेंजोइक, इट विल बिकम बेंजोइक एसिड। अब देखो इसके हमें मेटा पे कुछ चाहिए, तो इसका नाउ दिस इज मेटा डेरिवेटिव। इसका अगर मैं नाइट्रेशन कराता हूं, देखो HNO3 प्लस H2SO4, तो इट इज अ नाइट्रेटिंग एजेंट और दिस इज मेटा डेरिवेटिव, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका COOH और मेटा पर NO2, COOH एंड मेटा पे NO2। उसके बाद एक रिएजेंट आप जानते हो SNHCl, SNHCl काफी सिलेक्टिव रिएजेंट होता है नाइट्रोबेंजीन के लिए, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर देता है NH2 में, और याद रखना है COOH का रिडक्शन नहीं करता, NH2 आ गया। उसके बाद NaNO2 प्लस HCl 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, NaNO2 प्लस HCl करोगे 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, सो दिस विल बिकम N2 प्लस, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट, क्लियर है, और इसका सेंड में रिएक्शन कर दो अगर साइनाइड CuCN NaCN से, तो यहाँ पे साइनाइड आ जाता है COOH और यहाँ Cl, और उसके बाद अगर एसिटिक हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो बेसिकली जो फर्स्ट रिएजेंट है वो कौन सा है, KMnO4 H2 अलोंग विद हीट, सेकंड रिएजेंट इज HNO3 प्लस H2SO4, तीसरा SNHCl एंड फोर्थ NaNO2 प्लस HCl, पांचवा CuCN NaCN एंड छठवां हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से साइनाइड, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से साइनाइड COOH में चला जाता है। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा आपको, किसी को बेटा कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो बताओ किसी भी पॉइंट पर। हाँ सर कल हमने जो मेटाजाइलिन के प्रोडक्शन के लिए यूज किया था वो कर सकते हैं क्या, और उसके बाद KMnO4? कौन सा, दोबारा बोलो एक बार। हाँ सर कल हमने मेटाजाइलिन किया था 83 डिग्री सेल्सियस पे, हाँ वो अगर हमने किया और फिर KMnO4 डाला। बेटा देखो सुनो, उसको अवॉइड करना, बताऊं क्यों, बिकॉज दैट इज अ स्पेशल रिएक्शन, टेम्परेचर कंट्रोल्ड रिएक्शन है ना, तो हाँ नॉर्मली यस दैट इज करेक्ट, डेफिनेटली दैट इज करेक्ट। होता है कि पॉली अल्काइलेशन में ना दो दो मिथाइल पे रोकना इम्पॉसिबल होता है ओके ना, तो बट ऑन पेपर यस इट इज करेक्ट, यू कैन। ओके सर नेक्स्ट, नेक्स्ट बनाना है आपको बेंजीन से ये वाला,
1, 2, 3, 5 टेट्राब्रोमोबेंजीन। अच्छा देखो बेटा, कभी भी आपको एक हिंट देता हूं, कभी भी 135 पे अगर कुछ चाहिए हो ना, 135 पर, तो देखो जरा हमेशा आप यहाँ पे एनिलीन बना लेना। देखो अभी आपको चमक जाएगा। सबसे पहले इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, H2SO4 प्लस HNO3 नाइट्रेटिंग एजेंट, अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड होता है और ये दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, ठीक है। बेंजीन का जो नाइट्रेशन होता है बेटा वो लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है। नाइट्रोबेंजीन के बाद अगर हम यहाँ डाल देंगे SnHCl, तो ये सिलेक्टिवली NO2 को रिड्यूस कर देता है NH2 में, NO2 को NH2 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा NH2। अब सुनो बेटा ध्यान से, अब अगर आप ब्रोमीन वाटर डालते हो, एक बात और सुनो, ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन इन CH2, ध्यान से सुनना ये बात, ब्रोमीन वाटर और ब्रोमीन इन CH2 इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप ये होता है कि ब्रोमीन चाहे आप पोलर सॉल्वेंट में डालो, चाहे आप ब्रोमीन नॉन पोलर सॉल्वेंट में, एनिलीन के केस में तीनों पे VR लग जाता है। इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग है कि इवन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट भी ब्रोमिनेशन उसने तीनों पे करा दिया। हाँ, फिनॉल के केस में बेटा, ब्रोमीन वाटर में, फिनॉल के केस में ब्रोमीन वाटर पे तीनों पे ब्रोमीन लगता है, बट अगर Br2 इन CH2 है तो सिर्फ ऑर्थो पैरा बनता है, याद रखना। लोग क्या सोचते हैं कि पानी होगा तो तीनों पे लगा दो और Br2 होगा तो सिर्फ ऑर्थो पैरा लगाओ, दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनिलीन। एनिलीन में कैसा भी आप ब्रोमीन लो, इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग साइट हो जाता है कि वो तीनों पे लगा देता है। यस, फिनॉल के केस में आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो फिनॉल में अगर आपने ब्रोमीन वाटर डाला तब तो तीनों पे लग जाएगा, तब क्या होगा, तीनों पे बीआर आएगा, दोनों ऑर्थो और एक पैरा। बट अगर आपने ब्रोमीन डाला CH2 के साथ तब फिर ऑर्थो प्लस पैरा बनेगा, बस OH Br plus OH Br। कुछ बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, फिनॉल का देख के एनिलीन में टिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों पोजीशंस पे Br आ गया। अब बस क्या होना है, NaNO2 प्लस HCl 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों Br एज इट इज रहेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस। और अब आपको चाहिए इस पोजीशन पे Br, तो वी कैन पुट NaBr विद CuBr, सेंड में रिएक्शन, तो N2 प्लस की जगह क्या आ जाएगा, Br। तो इसके अगर आप रिएक्शंस देखोगे तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सेकेंड रिएजेंट इज SnHCl, थर्ड रिएजेंट इज ब्रोमीन वाटर, फोर्थ रिएजेंट इज NaNO2 प्लस HCl एंड फिफ्थ रिएजेंट इज NaBr विद CuBr। इस तरीके से ये प्रोसीड हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बेटा पूछो।
नेक्स्ट कन्वर्जन देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 6। बेंजीन से आपको बनाना है 3.5 डाइब्रोमोफिनॉल, 3.5 डाइब्रोमोफिनॉल। बेंजीन से 3.5 डाइब्रोमोफिनॉल ये बनाओ। इसमें देखो जरा, सबसे पहले इसका करा दो नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस विल बिकम नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन अब देखो जरा, अब आपको 2 Br मेटा पे चाहिए तो अभी लगा लो, बिकॉज दिस इज। अब सुनो जरा बेटा एक बात ध्यान से, यहाँ पे बच्चे एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो कर देते हैं सर Br2+AlCl3। सो दिस विल बिकम Br2+AlCl3। तो फ्रीडल क्राफ्ट वाला यहाँ पे आप वो मत लेना रिएजेंट, ठीक है? मतलब इसमें चांसेस होते हैं कि ये रिएक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाए, तो आप हमेशा यूज करना Br2+Fe, Br2+Fe। वैसे AlCl3 में भी बन जाएगा, उतना डिफरेंस नहीं आएगा, बट आप Fe+Br2 यूज करना, वो प्रेफर्ड होता है। तो क्या होगा, NO2 और मेटा पे लग गया Br। उसके बाद ये बनने के बाद फिर आप Fe+Br2 करना। अब थोड़ा, अब अगर देखोगे तो ये थोड़ा सा ठीक हो गया, NO2 Br Br, क्लियर है? बताओ ये स्टेप सही है या गलत है? दिस स्टेप इज करेक्ट और इनकरेक्ट? बेटा ये स्टेप गलत है ना, बिकॉज NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग एंड ब्रोमीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ये स्टेप नहीं होगा। बताओ इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? कैसे प्रोसीड करेंगे बताओ? हाँ प्रणव बोलो। सर, क्या Br का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट इतना ज्यादा है कि वो NO2 का मेटा डायरेक्टिंग? हाँ बेटा सुनो, क्या होता क्या है, सुनो, अगर कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो वो कार्बोकैटायन को डीस्टेबलाइज करता है, ठीक है? और अगर कोई ऑर्थो पैरा है तो वो स्टेबलाइज करता है, कितना भी बेकार ऑर्थो पैरा हो, ठीक है? उसी के हिसाब से हमेशा प्रोडक्ट बनेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ -M+M। अगर एक ऑर्थो पैरा है और एक मेटा है, वी विल गो विद ऑर्थो पैरा, बिकॉज ऑर्थो पैरा इज अ स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इसमें हम कैसे प्रोसीड करेंगे बताओ?
देखो समझो एक बार, पूरी रिएक्शन समझो। सबसे पहले बेंजीन से आपको बनाना है 1,3-डाइब्रोमोफिनॉल। तो बेंजीन से सबसे पहले नाइट्रो बेंजीन बनाओ, नाइट्रो बेंजीन के बाद एक और NO2 लगाओ, सो दैट ये अभी मेटा डायरेक्टिंग है, ये भी मेटा डायरेक्टिंग बना रहे। फिर एक ब्रोमीन लगाओ, फिर इस NO2 को सिलेक्टिवली रिड्यूस कर सकते हैं हम NH4HS से। NH4HS दो NO2 में से किसी एक को जिसका टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन ज्यादा हो, तो यहाँ पे तो सिमेट्रिक है, बोथ NO2 आर सेम, तो किसी को भी रिड्यूस कर दो, NH2 में चला गया। फिर NaNO2 प्लस HCl डाला तो N2 प्लस आ गया, फिर सैंडमेयर रिएक्शन कर दिया तो Br आ गया, तो यहाँ Br आ गया, दो Br आ गया। वैसे NO2 को किसमें बदलना है, सिर्फ OH में, तो पहले डाल दो आप SnHCl तो NH2 आ गया, फिर आप डाल दो NaNO2 प्लस HCl तो N2 प्लस आ गया, और फिर बॉइलिंग वाटर के साथ N2 प्लस पर OH आ जाता। तो ये आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट हो तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेंजीन से बेंजीन ट्राई सब्सटीट्यूटेड, एक Br है, एक OH है, एक C2H5OH है। Br C2H5OH बेंजीन से, ये बनाओ जरा। देखो इस कन्वर्जन में आपको चाहिए Br, OH और C2H5, ठीक है, और एक्चुअली में सब मेटा पोजीशन पे चाहिए, सो वी विल स्टार्ट विद सम मेटा रिएजेंट। तो एक दिमाग में ख्याल आया कि फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कराओ, बिकॉज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में COCH3 लगेगा और COCH3 मेटा डायरेक्टिंग होगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर है बेटा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक NO2 लगा लेते हैं। देखो एक NO2 में इसलिए लगा रहा हूं सो दैट मैं बाद में उसको फिनॉल में बदल दूंगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट कर देंगे तो COCH3 जो होगा उसके मेटा पोजीशन पर NO2 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों मेटा है तो FeBr2, सो वी कैन राइट NO2 COCH3 और यहाँ पे क्या आ गया Br, हमें एक Br तो आ गया, एक Br आ गया। अब देखो इसको किसमें कन्वर्ट करना है, दो कार्बन है और दो कार्बन के थाइल में कन्वर्ट करना है, इसको तो मैं कर सकता हूं वुल्फ किसनर रिडक्शन से NH2 NH2 एल्कोहलिक KOH अलोंग विद हीट, या फिर मेटल रिडक्शन कर सकते हो, मेटल मतलब H2PD, ठीक है, H2PD एक्चुअली में इसको रिड्यूस नहीं करता है, तो वुल्फ किसनर थोड़ा सा बेसिक सेंसिटिव होता है, तो हो सकता है कोई साइड रिएक्शन दे दे, तो बेहतर होगा कि आप H2PD लेके उसको रिड्यूस कर दो। बट देखो NO2 वगैरह से एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है, मतलब क्लीमेंसन को अवॉइड करना होगा, या आप ले सकते हो वुल्फ किसनर,
क्या होगा बी आर, और यहाँ आ जाएगा आपका एनओ टू, और ये हो जाएगा सी एच टू सी एच थ्री। क्लियर इतनी बात? तो नाउ वी विल हैव टू ग्रुप्स। अब हमें बस एनओ टू को ओ एच मिलाना है। तो एनओ टू को ओ एच मिलाने के लिए पहला तो हो गया एस एन एच सी एल, दूसरा हो गया एन ए एनओ टू प्लस एच सी एल, तीसरा हो गया बॉइलिंग वाटर। तो पहले तो एनओ टू एन एच टू में चला जाएगा, फिर एन एच टू एन टू प्लस सी एल माइनस में चला जाएगा, और फिर बॉइलिंग वाटर आप डाल देते हो तो फिर एन टू प्लस की जगह ओ एच आ जाता है। सो दिस कैन बी वन ऑफ द कन्वर्जन, मतलब एक मेथड आपका ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। एक बार और देख लो, पहले फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, उसके बाद फिर एनओ टू लगाया, क्योंकि मेरे को तीनों मेटा पोजीशंस चाहिए। तो शुरू के दो में जो रिएजेंट यूज करूंगा वो मेटा डायरेक्टिंग होने चाहिए, तभी थर्ड वन विल बी एट मेटा। तो ये बी आर आ गया, फिर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया सी टू एच फाइव ओ एच में, और फाइनली एनओ टू को ओ एच। तो इस तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक फिनाइल रिंग है, एन डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड एन एच, और उसके बाद बेंजीन रिंग, इसको जस्ट एसिडिक वाटर में डाल दिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, सॉल्व करो। हाँ देखो बेटा, एक थॉट प्रोसेस बताता हूं मैं आपको। कभी भी बेटा एन 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 इस तरीके के लिंकेज अगर होंगी तो वो हमेशा ब्रेक होंगी, ठीक है? मतलब फाइनली ऐसे नहीं आ सकता एन एन ओ एन एन, इस तरीके का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ होता नहीं, वो हमेशा ब्रेक हो जाता है। देखो यहाँ क्या होगा, देखो मीडियम एसिडिक है और ये बेसिक साइट है, तो यहाँ पे प्लस आ गया, और ये लिबरेट करेगा। तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करा और इसको ये फ्री कर देता है। तो एक्चुअली में एसिडिक सॉल्यूशन में क्या आइसोलेट होता है, देखो जरा, एक तो ये बन जाता है एन टू प्लस, और एक ये बन जाता है एनिलीन। ये बात क्लियर है बेटा? और ये बात मैं सिखा चुका हूं कपलिंग रिएक्शन, अगर सॉल्यूशन में एनिलीन है और अगर एनिलीन के साथ अगर बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है तो इट इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट रिंग, इट इज अ इलेक्ट्रॉन रिच। तो हमेशा क्या होता था कि अगर पैरा खाली है तो हमेशा पैरा से अटैक होके ये कपलिंग रिएक्शन होता है, और क्या बनेगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बात मैंने और बताई थी, यहाँ पे मैंने एसिडिक मीडियम क्यों लिया, सो दैट इस रिएक्शन का ऑप्टिमम पीएच रहे। बेटा समझ गए? बोलो, बताओ बेटा, ये बात समझ आ गई? हाँ सर। देखो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता है, इफ वी विल टेक ऑक्सीजन एयर, अगर यहाँ ऑक्सीजन लेंगे देन वी विल टेक बेसिक वाटर। देखो यहाँ नाइट्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, ये तो उसको निकालेगा ही, तो फिर क्या हो जाएगा, जब ये इसको निकालेगा तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ क्या आ जाएगा, फिनोक्साइड आयन।
और फिनोक्साइड आयन के लिए जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो किस मीडियम में होता है, कपलिंग रिएक्शन का प्रोडक्ट का मैक्सिमम ठीक मिलता है बेसिक मीडियम में। तो इस तरीके की बातें हम कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये चमकेगा भी नहीं कहाँ का क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है, बट काफी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कन्वर्जन में विच इज द सूटेबल रिएजेंट, CO(CH3) को CH2CH3 में बदलना है अलोंग विद Br एंड Br इज रिटेन्ड। CO(CH3) Br को ये Br एज इट इज रखना है और CO को CH2 में बदलना है। ये तीन स्टैंडर्ड मेथड होते हैं, ZnHgHCl, NH2NH2 एंड एल्कोहलिक KOH एंड रैनी निकल। इनफैक्ट इसको ऐसे लिखो, सल्फर वाला सल्फ्यूराइजेशन मेथड अलोंग विद रैनी निकल। रैनी निकल मतलब पाउडर्ड निकल। CO को CH2 में अगर आपको बदलना है, ठीक है, और CO वो भी कार्बोनिल का, एसिड एसिड डेरिवेटिव का नहीं, अगर कार्बोनिल का CO है और उसको CH2 में बदलना है तो वी हैव थ्री स्टैंडर्ड मेथड। एक तो ZnHgHCl, NH2NH2 एंड एल्कोहलिक KOH अलोंग विद हीट, एंड ये होता है सल्फ्यूराइजेशन मेथड। ये क्या करता है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन निकलता है, ये दोनों हाइड्रोजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन, और इस तरीके का 5 मेंबर सल्फर के साथ रिंग बनाता है और फिर निकल डाल देते हैं तो वो निकल जाता है और हाइड्रोजन देकर चला जाता है। इसको बोलते हैं सल्फ्यूराइजेशन मेथड फॉलोड बाय रिडक्शन। ये तीन बिल्कुल मेथड होते हैं, इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, इसको बुल्फ किस्नर रिडक्शन और इसको सल्फ्यूराइजेशन फॉलोड बाय रिडक्शन। सो बेसिकली वी हैव थ्री मेथड। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई एसिड से रिएक्शन करने वाला है, मतलब एसिड सेंसिटिव ग्रुप, एसिड सेंसिटिव ग्रुप शुड बी एब्सेंट, मतलब ऐसा ग्रुप एब्सेंट होना चाहिए जो एसिड सेंसिटिव हो, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl है। अगर बेटा कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्शन करने वाला कोई रिएजेंट है तो उसको अवॉइड करना होगा, अदरवाइज फिर वो उसको भी कन्वर्ट कर दे। तो बताओ यहाँ पे कोई एसिड से रिएक्शन करने वाला है क्या? नहीं, सो वी कैन यूज दिस वन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो HCl से रिएक्शन करेगा नहीं और ये इसको कन्वर्ट कर देगा। अब देखो इस दूसरे वाले में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ है एल्कोहलिक KOH, तो ये बेसिक सेंसिटिव ग्रुप शुड बी अवॉइडेड। बेस सेंसिटिव ग्रुप शुड बी अवॉइडेड, क्लियर है? अब यहां बिल्कुल क्लियरली है ब्रोमाइड है, एल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन हो जाएगा, E2 हो जाएगा, वी कैन नॉट यूज दिस। और बेटा ये होता है न्यूट्रल मीडियम के लिए, मतलब न्यूट्रल, अगर एसिड और बेस सेंसिटिव दोनों ग्रुप हैं तो फिर वी विल यूज दिस वन, ठीक है। बट इसका भी एक लिमिटेशन है,
क्योंकि जो सल्फर है वो बहुत शानदार न्यूक्लियोफाइल है, तो ऐसा कोई सबस्ट्रेट नहीं होना चाहिए जो एसएन रिएक्शन दे सके। यहाँ पे देखो ब्रोमीन है, एसएन दे देगा तो ये भी हम यूज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो मोस्ट सूटेबल रिएजेंट है वो कौन सा है, जो बेस्ट सूटेबल रिएजेंट है वो आपका ZnHgHCl है। इस CO को CH2 में बदल देगा, बाकी कोई साइड रिएक्शन नहीं करेगा। बोलो बेटा ये बात समझ आ गई सबको? बोलो। यस सर। अच्छा फोर्थ अगर मैं यहाँ पर ले लेता रेड फॉस्फोरस प्लस HI, तो रेड फॉस्फोरस प्लस HI भी बेटा CO को CH2 में बदलता है, लेकिन साथ में वो किसको RX को भी RH में बदलता है, मालूम है ना। सो वी कैन नॉट यूज रेड फॉस्फोरस प्लस HI। रेड फॉस्फोरस प्लस HI हर एक ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को किसमें बदल देता है, एल्केन में, साथ में वो RX को भी बदल देता है एल्केन। बेटा इसमें कोई तकलीफ? बोलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर वी आर हैविंग OH, हियर वी वांट OH एंड दिस इज व्हिच इज द एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर दिस रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, मैंने सिर्फ यहां पे चेंज करा OH, यहां पे अब मुझे OH चाहिए, इस CO को मैं CH2 में बदलूंगा और नाउ क्लीमेंसन वुल्फ किचनर सल्फ्यूराइजेशन फॉलोड बाय रिडक्शन एंड रेड फॉस्फोरस प्लस HI विच इज द सूटेबल रिएजेंट फॉर दिस कन्वर्जन। देखो बेटा अब देखो जो OH होता है उससे तो एल्कोहल का कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ तो बेटा रिएक्शन होता है, एल्कोहल जो होता है वो क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, ROH plus HCl RCl है ना। सो नाउ वी कैन नॉट यूज दिस रिएक्शन एंड वी कैन नॉट यूज रेड फॉस्फोरस प्लस HI बिकॉज इस एल्कोहल को भी एल्केन में बदल देगा। ऑल ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कन्वर्टेड इनटू एल्केन, तो ये भी अवॉइड हमें करना पड़ेगा। अब देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? इसमें इसलिए प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इसको तो COCH2 को COCH3 को CH2CH3 में बदल ही देगा अलोंग विद, अब अल्कोहल जो होते हैं वो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी नहीं देते हैं डायरेक्टली अंटिल अनलेस आप H+ डाल दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ मार्केट में है नहीं, तो फिनॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस फिनॉल जो होते हैं उन्हें अल्कोहल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज एलिमिनेशन वगैरह कोई रिएक्शन नहीं होगी। सो करेक्ट आंसर विल बी 2 and 3, वी कैन यूज 2 and 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसमें 2 COOH है, यहाँ 2 COOH, यहाँ 2 COOH, यहाँ 2 COOH एंड ये दोनों CO हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, ओनली ऑन हीटिंग मतलब सिर्फ जस्ट इसको हीट कर दिया तो एक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लिबरेटेड फ्रॉम 1 mole ऑफ ए, ये कंपाउंड अगर मान लो ए है, एंड इसको हीट करा NaOH प्लस सोडा लाइम के साथ, तो वाई नंबर ऑफ
मैक्सिमम वाई नंबर ऑफ CO2 मोल्स ऑफ CO2 लिबरेटेड फ्रॉम वन मोल ऑफ ए. यहाँ पे भी मैक्सिमम. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x y माइनस x. ये क्वेश्चन क्या है कि इस कंपाउंड को a को नॉर्मल हीट करा तो इसके एक मोल से अगर x नंबर ऑफ मैक्सिमम मोल्स ऑफ CO2 निकले और सोडा लाइन के साथ हीट करा तो y नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकले फ्रॉम वन मोल मैक्सिमम. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस y. ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आपने करा होगा डेफिनेटली. देखो जरा इसका बेटा आंसर आता है 7 और इसमें तो सारे ही निकल जाएंगे, इसका आंसर आएगा 8. सो द करेक्ट आंसर विल बी 1, 8 माइनस 7. तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा. अब देखो जरा इसमें एक बात याद रखना और इनफैक्ट जो आपको पता भी होगा, अगर एक कार्बन पर दो सी डबल एच है, अगर एक कार्बन पर दो सी डबल एच है ठीक है, तो उसको अगर आप हीट करोगे तो CO2 लिबरेट हो जाता है और ऐसा कुछ बन जाता है. क्लियर. एक कार्बन पर दो अगर सी डबल एच है तो ये काम हो जाता है. और एक केस और होता है जब ऐसा काम होता है, जब बीटा कीटो एसिड हो, एसिड है ये अल्फा पोजीशन है ये बीटा, बीटा पे अगर कीटो है तब भी CO2 उड़ जाता है और ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा. क्लियर है. और देखो मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ और एक सिंपल अप्रोच बताता हूँ. देखो जरा ध्यान से, अगर कोई भी एसिड है ठीक है, कोई भी एसिड हो एनी एसिड, अगर आपने सोडा लाइम अगर आपने डाला और सोडा लाइम के साथ अगर आपने हीट करा ठीक है, तो ऑल सी डब्ल्यू एच ग्रुप्स एलिमिनेटेड. बेटा इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कहीं पे भी सी डब्ल्यू एच लगा हो आप उसको निकाल देना, चाहे वो बेंजीन रिंग पे हो चाहे ब्रिज हेड पे हो, कहीं पे भी. जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर ब्रिज हेड वाला नहीं निकलेगा, अरे भाई क्यों नहीं निकलेगा, NaOH और सोडा लाइम आप डालो, ब्रिज हेड वाला भी CO2 देगा. ब्रिज हेड वाला भी CO2 देगा, क्यों? क्योंकि इसकी जो मैकेनिज्म होती है उसमें निगेटिव चार्ज बनता है, ब्रिज हेड पे निगेटिव चार्ज अलाउड है, ब्रिज हेड पे निगेटिव चार्ज से कोई प्रॉब्लम नहीं. बेंजीन पे आप COOH लगा दो, सोडा लाइन के साथ हीट कर दो, बेंजीन बन जाएगा. आप डबल बॉन्ड पर सी डबल एच लगा दो वो भी निकल जाएगा. मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि कहीं पर भी कितने भी सी डबल एच हो, अगर आपने सोडा लाइन डाल दिया तो आपको सोचना ही नहीं है. तो जैसे ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था बेटा, इसमें मैंने कितने सी डबल एच दिए थे, दो चार छह और दो आठ, सोडा लाइम डाल दिया आठों निकाल दिए, कुछ सोचना नहीं है, आठों सी डब्ल्यू एच निकल जाएंगे क्योंकि हमने सोडा लाइम डाला. तो सोडा लाइम डाल के तो जहां पे भी जितने भी सी डब्ल्यू एच होंगे वो निकाले जाएंगे, लेकिन मजा तब आएगा जब आप ओनली ऑन हीटिंग करो. देखो जरा ओनली ऑन हीटिंग और वी कैन से विदाउट सोडा लाइम ठीक है. विदाउट सोडा लाइम अगर आप देखोगे
तो एक कंडीशन याद रखना, देखो जरा क्या, ये है सी डब्ल्यू एच, ये है सी एच टू, और यहाँ पे मान लो कुछ भी है, लेट्स से दिस इज आर, इसको आपने हीट करा, ओनली हीटिंग, ठीक है, आपने सिर्फ हीट करा बेटा इसको, तो इसका सीओ टू निकल जाएगा, ध्यान से सुनो, इसका सीओ टू निकल जाएगा जब जब इसका सीओ टू निकल जाएगा जब ये बनने वाला नेगेटिव चार्ज इसके एडजेसेंट कार्बन पे नेगेटिव बनाओ और वो रेजोनेंस कर जाए। अगर रेजोनेंस कर जाए, देखो सिंपल, आपको क्या करना है, सी डब्ल्यू एच है, उसके बगल में आप नेगेटिव रखो, उसके बगल का नेगेटिव अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके घूम जाए तो फिर सीओ टू लिबरेट हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज रेजो स्टेबलाइज नहीं है तो फिर ये नहीं निकलेगा। तो देखो जरा, अब ये फंडा मैंने बताया है, देखो बेटा ये एसिड है, इस एसिड का नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, वो नेगेटिव चार्ज देखो रेजो में है तो ये निकल जाएगा, यस निकल गया, यहाँ एच आ गया। अब देखो ये सी डबल एच, इसका अल्फा पोजीशन ये है, अगेन ये नेगेटिव चार्ज रेजो में है तो ये भी निकल गया, दोनों जगह हाइड्रोजन, ये दो निकल गए। अब देखो ये सी डबल ओ एच, ये सी डबल ओ एच, इसका नेगेटिव यहाँ आएगा रेजो में, निकल गए। फिर यही सी डबल ओ एच, इसका अल्फा ये है, नेगेटिव चार्ज रेजो में है तो फिर ये निकल गया, सेम ये दोनों निकल जाएंगे। अब इसमें देखो इसका नेगेटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और वो इस वाले सी डबल ओ एच में रेजो में है ना, तो ये भी निकल जाएगा, और जब ये निकल गया तो यहाँ एच आ गया। अब बताओ इसके सी डबल एच का जो ये नेगेटिव आएगा क्या ये रेजो में है, नहीं है, तो बेटा ये वाला सी डबल एच छूट जाएगा। एक बार बताओ बेटा कितने लोगों को समझ आ गया ये 8 और 7, एक बार हैंड रेज कर दो, जो मैसेज मैं देना चाहता था वो आपके पास पहुंच गया है नहीं, बिकॉज मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं पे भी हो बेटा, कहीं पे भी सी डबल एच हो, किसी भी जगह पर हो, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे सी डबल एच हो और आप सोडा लाइम डालो और वहां पे सीओ टू ना निकले, लेकिन अगर ओनली ऑन हीटिंग आपको निकालना है तो सी डबल ओ एच के बगल वाले कार्बन पर, सी डबल ओ एच के एडजेसेंट कार्बन पर आप नेगेटिव बनाओ, एंड वो नेगेटिव रेजोनेंस करना चाहिए, अगर वो नेगेटिव रेजोनेंस करेगा तो फिर आपका सीओ टू लिबरेट हो जाएगा। सॉल्व करो बेटा ये 3 क्वेश्चन, एक और लिख देता हूँ।
ये दो क्वेश्चन है और ये दो क्वेश्चन है। देखो बेटा ये क्वेश्चन देखो, जिसमें सोडा लाइम डाला है उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो ये सी डबल एच निकल के हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। और इसमें सोडा लाइम डाला है तो इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है, दोनों सी डबल एच निकाल दो, क्लियर। अब ये जो हीट कराया आपने, देखो जरा सी डबल एच के बगल में नेगेटिव चार्ज तो है, बट वो नेगेटिव चार्ज देखने का है, रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो ब्रिज हेड पे पाई बॉन्ड आएगा, और ब्रेट्स रूल कहता है कि ब्रिज हेड पर पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता है। तो इसमें क्या होगा, नो CO2 फॉर्मेशन, इसमें कोई CO2 फॉर्मेशन नहीं होगा, जस्ट एक सॉल्ट बन जाएगा, एसिड और बेस रिएक्शन होके CO2 रिएक्शन, CO2 मतलब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं होगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं होगा। यहां देखो इस COOH का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, वो रेजोनेंस में है, और फिर जब दूसरा आएगा तो उसका भी नेगेटिव चार्ज, तो इसमें क्या होगा, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा प्लस 2 CO2। ये समझ आ गया होगा यहाँ तक बेटा, कोई डाउट किसी को? नहीं सर। इसमें बताओ थर्ड में क्या होगा, इनफेक्ट यहां साइनाइड कर लो, तो थर्ड में ये आएगा ना, देखो COOH नेगेटिव चार्ज नेगेटिव रेजोनेंस में है, बोलो बेटा। बताओ यही आएगा ना, बोलो यस और नो, इसमें क्या होगा, COOH के बगल में नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव कंजुगेशन में है, चेक करो जरा, इन दो प्रोडक्ट के बारे में बताओ, 3-4 में कौन कौन से सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, या फिर कौन सा एक सही है? बेटा आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। बताओ कौन सा सही है, देखो अभी समझ आएगा कौन सा सही है। एक्चुअली में देखो सुनो, कोई भी रिएक्शन आप देखो जो ओनली ऑन हीटिंग होता है, चाहे आप डाइसल्डर रिएक्शन देखो या फिर ये डीकार्बोक्सिलेशन देखो, कोई भी रिएक्शन आप देखना जो सिर्फ हीटिंग की दम पे होता है, कोई सॉल्वेंट का सपोर्ट नहीं होता है, कोई रिएजेंट नहीं होता है, उसमें एक खास बात होती है, फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल रिंग, ठीक है। तो जो ड्राइविंग फोर्स होता है इस टाइप के रिएक्शन को ले जाने का, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ अ
स्टेबल रिंग। तो देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखो, इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ। CH3 CO CH2 CO OH। बेटा ये COOH है, इसके बगल का नेगेटिव चार्ज नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस में है, यहाँ पे रिएक्शन होगी। अब देखो जरा ये रिएक्शन होती कैसे है, हीट करने पे ऐसा क्या होता है कि ये रिएक्शन हो जाती है। देखो आपको CO2 लिबरेट करना है, ये बॉन्ड आप यहाँ लाओ और ये बॉन्ड आप यहाँ ले जाओ और ये बॉन्ड आप ऐसे तोड़ो और ये नेगेटिव चार्ज इस H को पिकअप कर ले। तो देखो क्या हो रहा है, CH3 CO CH2 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। एक्चुअल बॉन्ड ये थे बेटा, बताओ बेटा एक्चुअल बॉन्ड ये थे। अब देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बोलो यहां लिख दिया B, ये वाला बॉन्ड यहाँ एक एक्स्ट्रा फॉर्म हो रहा है तो यहाँ लिख दिया एफ, ये वाला बॉन्ड अब फॉर्म होने लगा सॉरी ब्रेक होगा यहाँ लिख दिया बी, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा तो लिख दिया एफ, ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ लिख दिया बी, इनके बीच में एक बॉन्ड क्या होगा फॉर्म होगा तो यहाँ लिख दिया एफ। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है, सिक्स मेंबर स्टेबल टीएस, ये ड्राइविंग फोर्स है, ये ड्राइविंग फोर्स है। अब जो टूटने हैं वो तोड़ दो, जो बनाने हैं वो बना दो, तो ऐसा दिखे गए। तो यही लिखेगा। और ये अभी क्या है, इनॉल, और इनॉल और कीटो में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कीटो। तो जो आपका आंसर होगा वो ये आ जाएगा। सो बेसिकली हुआ क्या है, हुआ कुछ ऐसा है कि आप CO2 उठा लो, जो बचे वो लिख दो, क्या बचा CH3 CO CH2H CH3 CO CH2H। तो एक्चुअली में अब ये याद रखना कि डायरेक्ट ये प्रोडक्ट नहीं बनता है, इसका पहले टॉटोमर बनता है। और अब अगर बेटा उसका टॉटोमर ही स्टेबल हो जाएगा, अगर उसका टॉटोमर ही स्टेबल हो जाएगा तो फिर वही आंसर हो जाएगा। तो देखो जरा मैंने यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। बेटा ये बताओ ये मैकेनिज्म समझ आई आपको, इस मैकेनिज्म में किस कहीं कोई तकलीफ किसी को नहीं? सर समझा, समझ गए ना। अब देखो बच्चा लोग करता क्या है, वो सोचता है कि अच्छा COOH नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, हीट कर दो CO2 उड़ा दो। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है, होता कैसे देखो जरा, इसका मैकेनिज्म बनाओ, अभी कंक्लूड कर लेंगे, बाद में आपको मैकेनिज्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड COOH, यही है बेटा, इसी का हीटिंग करना है हमें। देखो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इसको पिकअप करेगा। चेक करो कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6। जब ऐसा होगा तो क्या बनेगा, CH3 यहाँ क्या आ जाएगा, ये H पिकअप कर लेगा तो CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा CH और यहाँ क्या होगा डबल बॉन्ड प्लस क्या निकल जाएगा CO2। अब देखो जरा यहाँ पे पाई बॉन्ड की लोकेशन चेंज हो गई, बेटा समझ आ रहा है। हाँ सर, इसमें बच्चे क्या करते हैं, सीधा COOH उठाते हैं तो क्या बनता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। जबकि इसका इस पाथ से मैकेनिज्म हो रहा है, तो इसमें देखो ब्यूटीन 1 मिल रहा है, जबकि आप लोग का आंसर क्या होता है, ब्यूटीन 2। तो अब देखो जरा इस क्वेश्चन में, इसमें थर्ड का जो प्रोडक्ट है वो सही है या गलत है, ये वाला प्रोडक्ट गलत है, करेक्ट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 ब्यूटीन प्लस CO2। सिमिलरली नाउ चेक फॉर फोर्थ वन, क्या ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है वो सही है, क्या ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है वो सही है, ये चेक करो।
बेटा ये प्रोडक्ट भी रॉन्ग है ना, बोलो। कितने लोगों को समझ आ गया ये रॉन्ग है? इसका जो सही प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। देखो ये साइनाइड, ये यहाँ पे यहाँ जाएगा, फिर ये सिक्स मेंबर, ये यहाँ पिकअप करेगा तो पाई बॉन्ड किनारे में हो जाएगा ना, बोलो। ये आएगा आंसर। ये बात समझ आई क्या? यस सर। नेक्स्ट देखो जरा। हाँ, क्या याद रखना है आपको? ओम्स गैप। हाँ देखो जरा, ओम्स गैप ये होता है आपका ओम्स गैप। ये होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। ये होता है मेलोनिक एसिड। सेकंड होता है सक्सिनिक एसिड। ये होता है ग्लूटारिक एसिड। ये होता है एडिपिक एसिड। ये होता है प्यूमेलिक एसिड। ये याद रखना डायरेक्टली, ओम्स गैप याद रखना। ओ मतलब दो सी डबल ओ एच के बीच में, जीरो सी एच टू, एम के मतलब एक सी एच टू, एस का मतलब दो, ओम्स गैप एक एक सी एच टू बढ़ाते जाओ। तो ओ एम एस जी ए पी, ऑक्सैलिक मेलोनिक सक्सिनिक ग्लूटारिक एडिपिक एंड प्यूमेलिक, ये एसेट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स गैप गैप याद रखना, इनका हीटिंग एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, तो इनकी हीटिंग में देखो जरा, सबसे पहले देखो H2C2O4 तो मालूम ही है आपको, H2O प्लस इसका जो एनहाइड्राइड होता है वो क्या होता है? CO एंड CO2। ऑक्सलेट आयन तो होता ही है, मेटल ऑक्साइड प्लस CO प्लस CO2। तो यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड। ऑक्सैलिक एसिड तो अपन को पता है, अपन ऑक्सलेट की हीटिंग कर चुके हैं, उसमें बना था मेटल ऑक्साइड प्लस CO प्लस CO2, तो यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस CO प्लस CO2। अब देखो जरा, मेलोनिक एसिड अभी अभी बता दिया है, तो CO2 उड़ जाएगा इसका, तो क्या बचेगा? CH3 COOH प्लस CO2।
क्लियर है बेटा ये बात। उसके बाद अब ध्यान दो, अब अगर वाटर निकल के अगर स्टेबल रिंग बन रहा है तो वाटर निकलेगा। तो देखो जरा, यहाँ अगर वाटर निकालोगे तो सबसे पहले वाटर निकलता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से, और यहाँ पे देखो 5 मेंबर्ड रिंग बन गया, तो इसका मतलब ये सही है। अगले में 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा पानी निकल के, ठीक है। तो पहले में क्या निकला, CO प्लस CO2 प्लस वाटर, दूसरे में क्या निकला, सिर्फ CO2, तीसरे चौथे में क्या निकला, पानी, क्योंकि पानी निकल के ही स्टेबलाइज हो रहा। और हमेशा याद रखना 5-6 मेंबर्ड रिंग ही बनानी है आपको। अगले में अगर आप रिंग बनाओगे तो बेटा 7 मेंबर्ड बनेगा, और 7 मेंबर्ड रिंग नहीं बनता है इस तरीके की हीटिंग में। देखो ये 7 मेंबर्ड रिंग आ रहा है, तो होता क्या है, ये 7 मेंबर्ड रिंग के साथ साथ पानी निकलने पर 7 मेंबर्ड, अब ये CO2 और निकाल दो, ये CO2 और निकाल दोगे तो रिंग कितने मेंबर्ड हो जाएगी। तो अगर 7 मेंबर्ड रिंग बन रहा हो इस तरीके से, तो उसमें CO2 और लिबरेट कर देना, सो दैट 5 मेंबर्ड रिंग में चला जाए। अभी इसका पानी निकाल के कितना मेंबर्ड हो रहा है, 8 मेंबर्ड। बेटा जब 7 नहीं बना तो 8 कहां से बनेगा, इसका भी CO2 निकाल दो, और इसका CO2 निकाल दोगे तो 9 6 मेंबर। तो देखो जरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सैलिक एसिड में क्या निकला, पानी CO2 एंड CO, मेलोनिक एसिड में सिर्फ CO2, सक्सीनिक और ग्लूटारिक एसिड में H2O, सक्सीनिक और ग्लूटारिक एसिड में सिर्फ H2O, 5-6 मेंबर्ड रिंग बनता है, प्लस एडिपिक एसिड में CO2 प्लस H2O, प्यूमेलिक एसिड में H2O प्लस CO2। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसको इसी तरीके से आपको याद करना है। हाँ, तो जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो देखो, ये क्या है एल्डिहाइड, ये क्या है एल्डिहाइड, और बीच वाला कार्बन स्टार्ट कार्बन है, और इसका रिएक्शन कराया ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl से, तो बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। क्वेश्चन समझ आया, ये स्टार्ट कार्बन है, ये CO, ये CO, एल्डिहाइड कीटोन के ही हैं, ठीक है, और ZnHg HCl डाला और हीट भी कर दिया, बताना है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बीच वाला कार्बन स्टार्ट कार्बन है, ये नोट कर लो आप लोग। इसका आप सॉल्यूशन बना के मेरे को भेजना। यस सर।